तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही को अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त है प्रीतम प्यारे। दोस्तों परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी से संबंधित दो नए ऑप्शन और जोड़े गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी कि जैसे ऑपरेटर लॉगिन होता है उसी प्रकार सिटीजन भी अपनी फैमिली आईडी को लॉगिन कर सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी फैमिली आईडी को लॉगिन कर सकता है। लॉगिन जो लिंक है वो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कई वीडियो में मैंने बताया भी है कि कैसे आप यहां तक आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद आपको सिटीजन लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये लॉगिन होने के बाद यहां पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको इस प्रकार के जो ऑप्शन हैं वो दिखाए जाएंगे। यहाँ पर मैंने ये जो फोटो दिखाई है ताकि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। यहाँ पर ये करेक्शन मॉड्यूल है और करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस आप देख सकते हैं, अपडेट एड्रेस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए एड्रेस अपडेट करने के लिए एक ऑप्शन और जोड़ दिया गया है और माइग्रेट मेंबर हैं उनके लिए भी यहां से एक ऑप्शन जोड़ा गया है। दोस्तों ये जो दो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये दो नए ऑप्शन और जोड़ दिए गए हैं। और जो तीसरे वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन भी फिलहाल नया ही जोड़ा गया है, लेकिन इससे संबंधित मैंने पहले भी वीडियो बना दी है कि ये ऑपरेटर लॉगिन वाले ऑप्शन के अंदर भी आया हुआ है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर ही आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों ये तीन नए ऑप्शन जोड़े गए हैं और यहाँ पर ये जो दो ऑप्शन हैं ये भी नए ही हैं, ये तीनों नए ऑप्शन हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नए अपडेट के साथ कुछ नई जानकारी के साथ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। दोस्तों वीडियो में अगर कोई कमी लगी हो या आपके मन में कोई सुझाव हो वीडियो से संबंधित या सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जय हिंद भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।